हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि हमें वेरीफाई करना है ए डिवाइड बाय बी प्लस सी, वो बराबर नहीं है, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाई सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। जो ए बी सी का वैल्यू दे रखा है, ए दे रखा है आपको 12 दे रखा है, बी -4 एंड सी 2 दे रखा है। तो इसके लिए जो हमारा एल एच एस है और आर एच एस है वो इक्वल नहीं है। तो पहले एल एच एस लिख लेते हैं। एल एच एस कितना है? लेफ्ट हैंड साइड इज ए डिवाइड बाय बी प्लस सी। उसके बाद ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 12, बी इज इक्वल्स टू -4 एंड सी इज इक्वल्स टू 2, कितना आ जाएगा? ए का वैल्यू आपने 12 पुट किया, डिवाइड में बी का वैल्यू -4 पुट किया, एंड सी का वैल्यू कितना पुट करना है? 2 पुट करना है। इट विल बिकम 12 डिवाइड बाय -4 प्लस 2 इज -2। उसके बाद हम कैसे करते थे? डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन एंड 1/-2। 12 वन ज़ 12 डिवाइड बाई -2। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 2 वन ज़ 2 कैंसिल आउट कर रहे हैं ना, 2 वन ज़ 2, 2 सिक्स ज़ 12, 6 अपॉन -1। माइनस को ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं, तो इट विल बिकम -6। तो एल एच एस कितना आया हमारा? -6। अब सेम आर एच एस सॉल्व करेंगे, तो आर एच एस कितना है? राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी प्लस ए डिवाइड बाई सी ऑन पुटिंग ए इज इक्वल्स टू 12, बी इज इक्वल्स टू -4, सी इज इक्वल्स टू 2, वी गेट कितना हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई -4, 12 डिवाइड बाय -4 प्लस 12 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ए और बी और सी का वैल्यू पुट कर लिया। अब 12 को डिवाइड कर रहे हैं -4 से, प्लस 12 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, कितना आएगा? कैंसिल आउट कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई किया, 12 वन ज़ 12 डिवाइड बाई -4 एंड प्लस में यहाँ पे कितना था? 1/2। ओके, डिवाइड का साइन करके मल्टीप्लाई किया था, तो 12 वन ज़ 12 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 वन ज़ 4, 4 थ्री ज़ 12, 2 वन ज़ 2, 2 सिक्स ज़ 12, कितना आया? पहले में आया -3, दूसरे में कितना आया? +6, कितना बचा? +3। तो एल एच एस कितना था हमारा? -6। आर एच एस कितना है? 3। तो क्या एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस है? देयर फोर एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। इसके बाद एक लाइन और, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, क्योंकि हमारा एल एच एस आर एच एस के बराबर नहीं आया, तो वेरीफाई, हमें यही प्रूफ करना था कि यही वेरीफाई करना था, प्रूफ नहीं, वेरीफाई करना था कि जो हमारे एल एच एस है वो नॉट इक्वल है आर एच एस के। तो यहाँ पे एल एच एस हमारा 6 आया, -6 आया था, आर एच एस हमारा 3 आया है, दोनों इक्वल नहीं आए, तो हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट इसमें सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में कितना दे रखा है? सेम वेरीफाई करना है, बस ए बी सी का वैल्यू डिफरेंट है। तो ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे, कितना कितना हो जाएगा? पहले लिख लेते हैं एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी प्लस सी, ए डिवाइड, ए डिवाइड का साइन आ गया ना, ए डिवाइड बाई बी प्लस सी ऑन पुटिंग ए इज इक्वल टू -10, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 1, वी गेट कितना मिलेगा? वैल्यू पुट किया,
ए कितना है हमारा -10 डिवाइड बाय बी कितना है हमारा 1, सी कितना है 1, तो कितना हो जाएगा -10 डिवाइड बाय 2। और डिवाइड के केस में क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई बनाएंगे एंड 1/2 लिखेंगे। अब नेक्स्ट कितना हो जाएगा 10 वन 10, माइनस का साइन था तो माइनस, डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 वन 2, 2 5 10 कितना आया -5। नाउ सेम वी आर गोइंग टू सॉल्व द RHS। RHS कितना हो जाएगा, RHS कितना है हमारा, राइट हैंड साइड है ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, ऑन पुटिंग ए इज इक्वल्स टू -10, बी इज इक्वल्स टू 1 एंड सी इज इक्वल्स टू 1, वी गेट कितना मिलेगा हमको, वी गेट ओके। तो यहाँ पे था ए था कितना -10 डिवाइड बाय बी 1 सेम, प्लस ए कितना है -10 डिवाइड बाय सी कितना है 1। तो ए यहाँ पे बी और सी दोनों का वैल्यू कितना है हमारा 1। तो -10 को जब 1 से डिवाइड करेंगे, अगर हम करना चाहें तो क्या करेंगे, डिवाइड की जगह 1 का सिंबल लगाया, ये हो गया। अदरवाइज हम डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते थे, क्योंकि तो हमें पता है जब किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर सेम होता है। तो -10 डिवाइड बाई 1 प्लस -10 डिवाइड बाई 1, इट बिकम्स -10 प्लस -10 मीन्स -10 -10 कितना हो गया -20। क्या LHS और RHS बराबर हैं, नहीं है। हेयर LHS नॉट इक्वल टू RHS, हैंस हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड हो गया। कैलकुलेशन एक बार और चेक करना है ना। थैंक यू।